आपको क्या लगा मुझे बॉल लगेगा? वेल, आपका टेंशन ग्रैब ही किया है तो इसके बारे में बता देती हूँ। क्या आपको पता है विच कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ पेप्सिको ग्लोबली? इट इज वरुण। अरे वरुण आपका दोस्त नहीं, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस एक मेजर पेप्सिको फ्रेंचाइजी है विद अ स्ट्रॉन्ग 25 प्लस ईयर ऑफ पार्टनरशिप। वो वेरियस पेप्सिको बेवरेजेस जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू, बॉटल्ड वाटर लाइक एक्वाफिना एंड और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड होल्ड्स 90% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम फॉर पेप्सिको प्रोडक्ट्स इन इंडिया और वो नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे जैसे टेरिटरीज में भी फ्रेंचाइजीज होल्ड करता है। एंड यू नो, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च रिपोर्ट बाय आनंद राठी ऑन द ट्रेड मोबी ऐप, ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से उम्मीद है कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, एक्विजिशंस भी एंड इंडिया में समर ड्रिंक्स की सेल्स भी। बेवरेज मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $4.39 trillion बाय 2028 एंड दिस इज ड्यू टू सेवरल ट्रेंड्स लाइक हेल्दियर चॉइसेस। कंज्यूमर्स ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं एंड इसीलिए वो शुगर फ्री एंड कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज में बढ़ती हुई पार्टिसिपेशन की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स की डिमांड भी बढ़ रही है। अब चलिए उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने सॉलिड 10.9% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखाया जो Q1 CY 2024 में अराउंड 43,173 करोड़ तक पहुंच गया। उनका एबिटडा भी 23.9% ईयर ओवर ईयर बढ़कर अराउंड 9,887.6 करोड़ हो गया और उनका एबिटडा मार्जिन 240 पॉइंट्स बढ़कर अराउंड Q1 CY 2024 में 22.9% हो गया। पैट 24.9% बढ़कर Q1 CY 2024 में 5,479.8 करोड़ हो गया और ये कंपनी ने इंडिया में 3 नई ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी कमीशन किया है इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बूस्ट हो रही है। और एक बात कहूँ, पूरी रिसर्च रिपोर्ट जानी है तो चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.